Okay, good afternoon, all. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, let me start today's class. This is a very, very, very important class because you get a long question as well as, uh, you know, writing query questions from this portion. And this is kind of, you know, mathematics like. If you can solve it, you get full marks so this is uh, that is where it stands very 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 important so <clears throat> that uh, topic for today is relational algebra so the topic for today is relational algebra right just note this down that is what is called and here first you note down our definition उन द डेफिनेशन स्क्रीन हम दिख हाँ, दिखा दे रहे हैं अभी दे रहे सो किसी ये बुक का हम वहां पर लगा के रखे थे बट टूडे फॉलोइंग द बुक इट हेज गॉट द फर्स्ट चैप्टर ओनली ये जो मजुमदार की किताब है वो किताब वो गूगल बुक से आई आई रिसीव दैट थ्रू समू बट उस बुक में सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही दिए हुए हैं तो एनी वे आई एम आई एम डूंग वंस यू कैट होल्ड ऑफ दैट बुक प्लीज लेट मी नो ओके सो लेट्स राइट ऑन रिलेशनलबरा रिलेशनल Algebra. So now relational algebra is a former formal rather formal query language. It is a formal query language based on based on a set of based on a set of five five basic relational relational algebraic operations relational algebraic operations these operations, these operations can be performed, can be performed on relations. The basic operations are, the basic operations are. Number one is select. Number two is project. Number three is union. Number four is intersect. And number five is Cartesian product. Cartesian Product. So these are the basic five operators. Iske alave bhi kuch that we will see later on. Select operator, the symbol for select operator is this symbol sigma. Symbol for project operator is the symbol pi. Symbol for union is plus. Symbol for intersect is minus. And symbol for Cartesian product is cross. Symbol for Cartesian product is cross. So these are the basic symbols that we are going to use. Now, नाउ कम्स द क्वेश्चन की वट आर दीज ये है क्या क्यों इसको पढ़ रहे हैं क्या है सो दीज आर एक्चुअली द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड डिजाइनिंग एनी क्वेरी लैंग्वेज कोई भी क्वेरी लैंग्वेज जो होता है जो हम बना रहे हैं जैसे हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे दट इज एसक्यूएल ओके कोई भी क्वेरी लैंग्वेज बनाने के पीछे द फॉर्मल मैथमेटिक्स जो है दिस इज दे आर एक्चुअली ये बेस करके बिकॉज दे वर्क ऑन रिलेशन रिलेशन का मतलब क्या हुआ आई टोल्ड यू इफ आई जिसको हम टेबल बोलते हैं आई से स्टूडेंट इज अबल स्टूडेंट इज ए टेबल इसके अंदर क्या है स्टूडेंट नंबर से रोल नंबर स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस स्टूडेंट फोन ओके स्टूडेंट मार्क्स सो दिस इज वट इज अ रिलेशन ओके देर इज अनादर लाइक देर इज अ टीचर रिलेशन ठीक है तो उसमें भी है टीचर नंबर टीचर नेम टीचर एड्रेस टीचर फोन ओके ये टीचर है तो दीज आर नथिंग बट एक्चुअली इन फिजिकल रियालिटी दीज आर टेबल्स दीज आर नथिंग बट दीज आर टेबल्स विच आर ऑर्गेनाइज इन रोज एंड कॉलम्स सो इफ आई ज्वाइन दीज टू ये दोनों को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं ओके बाय इक्वी जॉइन नाउ यू नो वट इज इक्वी जॉइन नॉन इक्वी जॉइन कुछ हम अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो दैट विल गिव रेज टू अनदर टेबल एनी वे स्टूडेंट से अगर हम ये बोलते नाउ सिंस यू नो इसीलिए हम तुमको एसक्यूएल पहले पढ़ा चुके हैं से यू राइट से आई राइट दिस इक्वेशन सिलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट ये अगर हम लिखते हैं वॉट इज द आउटपुट एक्सपेक्टेड इट इज नो दैट मीन ये जो टेबल बना विच कंटेन टू कॉलम्स इट इज न तो अपने आप में अगर एक टेबल है तो यह अपने आप में एक रिलेशन है बिकॉज हम तो रिलेशन को ही तुमको तो समझाने के लिए टेबल. तो ये अपने आप में एक रिलेशन है सो so, हम लोग बोलते क्या है इन अ रिलेशनल क्वेरी अगर कोई भी क्वेरी हम करते हैं विद इन द डेटा बेस रिगार्डिंग एनी डेटा सो देन दैट इज आंसर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू रिलेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिलेशन ठीक है यानी इस पे इस टेबल पे इस रिलेशन पे हमने क्वेश्चन किया कि भाई हमको नाम और उसका एड्रेस बताओ तो वो जो इस ओरिजिनल डेटाबेस या इस ओरिजिनल रिलेशन के ऊपर मैंने जो एक क्वेरी किया रिगार्डिंग डेटा दैट विल गिव मी बैक डेटा एंड इज नथिंग बट इट इज अशन विच इज नथिंग बट अगेन अ सबसेट ऑफ दिस रिलेशन सो थिंग्स तो ये जो रिलेशनल रिलेशनलबरिक ऑपरेटर्स है ये कंप्यूटर में चलेगा नहीं ये समझा दिस इज अ मॉडल दिस इज दीज आर काइंड ऑफ मॉडल्स अब इसके ऊपर बेस करके तुम लैंग्वेज बनाओ कहने का मतलब है दीज आर नथिंग बट द फिलोजॉफी जैसे हम कोई भी हम बोलते हैं ना वी वी स्टडी डेटा स्ट्रक्चर तो डेटा स्ट्रक्चर में जो हम एलगोरिज्म पढ़ते हैं वो कंप्यूटर में रन नहीं करता बट उसके ऊपर बेस करके इफ यू अंडरस्टैंड द वर्किंग लॉजिक की सॉर्टिंग कैसे हो रहा है नाउ यू कैन यूज एनी डैम लैंग्वेज सी यूज कर सकते हो कोबोल यूज कर सकते हो जावा यूज कर सकते हो टू डू ए प्रोग्रामिंग फॉर सॉर्टिंग Similarly this is a kind of a basic building block, a formal language to make you understand what happens in quick. these two operators these two operators are called unary operators. These two are called unary operators because they work on they can be used on a single relation. लेकिन बाकी कोई भी रिलेशन के लिए यू नो यूनियन अरे यूनियन होगा तो हमको दो रिलेशन चाहिए ना टू टेबल्स तो चाहिए तब ना उसके बीच में हम यूनियन करेंगे दो रिलेशन होगा तब ना इंटरसेक्ट करेंगे दो रिलेशन होगा तब ना उसको जोड़ तब ना उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे सो so, लेकिन बाकी ये दोनों जो है इसको हम कोई भी सिंगल रिलेशन के ऊपर यूज कर सकते हैं यू विल सी द एग्जांपल राइट नाउ सो लेट टेक फर्स्ट द सिलेक्ट ऑपरेटर सिलेक्ट ओके सो वी राइट दिस सेलेक्ट यह क्या होता है और करता क्या है आई विल एक्सप्लेन बट फॉर द टाइम बिंग अंडरस्टैंड हाउ डू वी राइट दिस राइट लाइक दिस सेलेक्ट बड़ा बड़ा दिख रहे हैं बट यू कैन राइट इट इन योर नेम इक्वल टू ब्लेक इसमें डबल कोड लेते हैं ई एम पी ओके तो हम बोल रहे हैं कि सिलेक्ट द नेम ब्लेक कहां से फ्रॉम दीज आर रिटन इन वन लाइन दिस पूरा ये चीज रिटन इन वन लाइन एंड दिस वन

Is the set is the set of those tuples of R of those tuples of R components of capital R components. Of each of which of each of which make the logical expression, make the logical expression F, capital F, true f true so what is the meaning of this just try to understand if you don't understand please ask me your Ye operator yeah this is my emp table right this is my emp table and you know the columns some bar bar लिखने रहे हैं यू नो द कॉलम्स ई एम पी एन ओ ई नेम जॉब सैल अरे फिर लिख दे रहे हैं हाय डेट छोटा छोटा लिख रहे हैं एम जी आर कमीशन ओके डी पी टी एनओ कुछ कुछ है ना यहां हम लिख रहे हैं सिलेक्ट नेम इक्वल टू ई नेम यहां लिखना चाहिए था आई एम वेरी सॉरी इसको थोड़ा सा अगर आप सुधार लोगे तो दिस शुड बी द कॉलम ऑफ द डेटा बेस तो सिलेक्ट ई सिलेक्ट ई नेम इक्वल टू ब्लैक नाउ डेल्टा एफ आर एसिग्मा एफ आर इज द सेट ऑफ दोपल्स ऑफ आर आर इज वॉट ये आर जो है ये क्या है ये दिस इज दिस दिस इज न इट इज द रिलेशन इन दिस केस इन दिस केस इट इज द टेबल आर की जगह पी एम पी लिखे तो सिग्मा एफ आर अगर लिख रहे हैं तो उसका मतलब आर मीन कर रहे हैं रिलेशन ऑफ द टेबल सो इज द सेट ऑफ दोपल्स ऑफ आर कॉम्पोनेंट इसका वो कॉम्पोनेंट है ईच ऑफ ईच ऑफ विच मेक द लॉजिकल एक्सप्रेशन एफ ट्रू यानी यहां उसको ब्लैक मिला तो ब्लैक मिला तो ये वाला जो रो है दिस टपल टपल इज नथिंग बट रो आई हैव टोल्ड यू है टपल जो है तो दिस टपल मेक्स दिस रिलेशन ट्रू लाइक दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन एफ ट्रू यानी यहां क्या लिखे हुए हैं ई नेम इक्वल टू ब्लैक तो ये वाला रो जो है ये उस एक्सप्रेशन को ट्रू बता रहा है यानी ये मैच कर रहा है इतना उतना समझने का नहीं है सिंपल टू अंडरस्टैंड इज़ कि ये एक्सप्रेशन इस टेबल में किस रो में मैच कर रहा है उस रो को उठा लो और उसको मार्क करके रख दो जस्ट मार्क दैट रो यानी माने हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या समझते तुमको अगर हमें एक टेबल दिया गया है और तुमको हम बोले कि निकालो तो भाई इन एम इक्वल टू ब्लैक कहाँ है इस टेबल में EMP टेबल में वही लिखा हुआ है सिलेक्ट इन एम इक्वल टू ब्लैक फ्रॉम पी तो तुम्हारा काम क्या है तुमको एक हाईलाइटर दे दिए तुमको जहां ब्लैक मिला उस वाले रो को तुम क्या किए हाईलाइट करके रख दिए दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिलेक्शन ऑपरेटर इसका काम यही है कि जहां जहां पे ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ विद इन दैट टेबल उस उस रो को आप मार्क करके रखिए सो दे आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो एज आई कैन राइट दिस फॉरगेट अबाउट दिस टेबल नाउ आई कैन राइट दिस नेम इक्वल टू आर्बिट्ररी ले रहे नेम इक्वल टू जॉन ओके नेम इक्वल टू जॉन फाइन And I am writing this uh, a statement here yeah, at course equal to comp signs. Kahase from student. Here you see, I have used this symbol i have used this symbol this symbol stands for and in relational algebra so in relational algebra i can use logical operators logical operators which are a and this sign the pipe sign this is this is and this is or and this symbol is used for not. this symbol is used for not. तो so, यहाँ I can and this not is of course I'm sorry. not is of course a unary operator. theek hai name is not John. अगर लिखते हैं तो इसका मतलब हम उन लोगों का नाम बोलने खोजने बोल रहे हैं जो कि John नहीं है. अगर ये not John लिखते हैं. so it is unary operator. okay. so logical operator I can use this. सिमिलरली जैसे हम यहां ये इक्वल टू यूज कर रहे हैं सो आई केन ऑल्सो यूज इक्वल टू अगर है, arithmetic operator, क्या क्या हम यूज कर सकते हैंक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू एंड ऑफकोर्स नॉट इक्वल टू इतना सारा अगर हम मान लो तुमको बोलते हैं कि यू हैव अ टेबल नाउ अ टेबल से हम बोले टेबल में से व्हाट यू डू इज यू फाइंड आउट हुम इज इक्वल टू स्मिथ एंड सैलरी इज ग्रेटर देन और सैलरी इक्वल टू वन थाउजेंड तो या तो उसका स्मिथ हो या सैलरी उसका पांच तीन हजार से ज्यादा हो सो हाउ विल वी राइट दिस राइट लाइक दिस दिस नेम चूंकि हम ई एम पी नेम इक्वल टू स्मिथ डबल कोर्ट ऑफ कोर्स और सैल ग्रेटर देन थ्री थाउजेंड फ्रॉम EMP. तो so will this स्टेटमेंट डू अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ये EMP टेबल में जाएगा जाके उसको एक रो में मिला ये मैच कर गया, क्या? E name is Smith. और तीन रो उसको या दो रो उसको ऐसा मिला जहां पे कि इट matches, ये दो में इट मैचेस दिस क्राइटेरिया सैल इज ग्रेटर तो ये तीन रो को ये मार्क कर लिया इट हैज हाईलाइटेड दीज थ्री रोल्स इसको हाईलाइट कर लिया वाइन एक रो दूसरा रो तीसरा रो हाईलाइट हो गया ओके वेयर दैट इज वॉट यू हैव रिटन इन द प्रीवियस वन दैट इज वॉट यू हैव रिटन इन द प्रीवियस वन क्या हम लोग लिखे थे इफ यू गो टू द प्रीवियस पेज इज द सेट ऑफ टपल्स ऑफ कैपिटल आर कॉम्पोनेंट ऑफ इच ऑफ विच मेक द लॉजिकल एक्सप्रेशन एफ ट्रू यानी जहां जहां पे ये एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा है उस उस रो को मार्क ओनली मार्क दिन तो अगर मार्क कर लिया तो पूरा के पूरा रो उसके अंदर आ गया हाईलाइट कर दिया जहां ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ फाइन so now let us go back to this discussion okay so you understand select now we come to our next one that is what is called project project and I told you the the symbol for this is the pi operator okay now, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थोड़ा सा वापस जा रहा है येबल में हम लिखे से दिस इज दिन आई है इसके कारण आई हैव बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ये तीन टप्पल उसको सक्सेसफुली ओबे कर रहा था तो दैट इज वाई ये तीन टपल को हम सिलेक्ट कर लिए थे तो दिज वेर द्री टपल ये हम मार्क किए हुए थे तो हम खाली मार्क किए हुए अब प्रोजेक्ट करने का मतलब है ये तीन जो हमारा ये कंडीशन को फुलफिल किया अब इसमें से हमको क्या चाहिए व्हाट कॉल्ड प्रोजेक्ट आई कम बैक टू इट से नाउ हम अगर ये लिखे थे आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट दिस आई रोट इ नेम अगेन आई एम राइटिंग टू अंडरस्टैंड ई नेम इज इक्वल टू स्मिथ ओके और और सेल ग्रेटर देन थ्री थाउजेंड किस टेबल से ईएमपी टेबल से हम बोले थे तो इस टेबल में इस टेबल में ये दिस रो दिस रो एंड दिस रो मान लेते हैं ये तीन रो जो है हाईलाइट हो गया बट यहां पे देर आर वेरी मेनी कॉलम्स अब इस हाईलाइट किया हुआ रोज में से हमको कौन सा कॉलम देखना है सो वी राइट लाइक दिस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ई एम पी कॉमा ई नेम कॉमा सैल यानी इस कंडीशन के ऊपर बेस करके फर्स्ट मार्क दोज रोज विच सैटिस्फाइड द क्राइटेरिया एंड वंस यू फाइंड दैट द क्राइटेरिया इज सैटिस्फाइड फ्रॉम दैट सैटिस्फाइड रोज फ्रॉम दोज मार्क्ड रोज यू ऑप्ट आउट यू टेक आउट एम्प्लॉय नंबर ये वाला ले लो फील्ड एम्प्लॉय नेम ले लो और सैलरी वाला फील्ड ले लो और उसको डिस्प्ले कर दो इसको डिस्प्ले कर लो सो दैट इज वॉट इज माई प्रोजेक्ट ऑपरेटर प्रोजेक्ट ऑपरेटर कुड है नंबर जानते हैं तो आई कैन राइट दिस दिस वे ऑल्सो प्रोजेक्ट ऑपरेटर को आई कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो आई कैन राइट प्रोजेक्ट वन कॉमा टू कॉमा थ्री ये इन जो भी ठीक है काहे का कि हम ये जानते थे कि दिस इज एम एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नंबर जो है दिस इज इज कॉलम कॉलम ई नेम टू सैलरी इज कॉलम थ्री ये जब जानते हैं देन ऑनली आई कैन राइट इट दिस वे अदरवाइज इट इज बेटर टू राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड तो यानी ये किस तरह से काम किया हाउ एक्सैक्टली exactly? This project operator and this select operator works. That means now you understand that when in my SQL query that we were writing in the previous classes, when we were writing like this select EMPNO comma job comma ah i'm sorry very sorry e, e name comma sal from emp where where e name equal to smith or Sal greater than three thousand. So this was my query statement in SQL, which is equivalent to my project EMP and O Ename Sal. Select this one. Yeah, I'll write EMP. ियर दिस सिलेक्ट ऑपरेटर इज डूइंग द वर्क ऑफ बोथ दिस सिलेक्शन अलजरा सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन दोनों मिला के ये सिलेक्ट ऑपरेटर काम कर रहा है इन एसकिल बट द जॉब इज द सेम अगर हम सिलेक्ट एस्ट्रिक्स लिखते तो यहां कैसे लिखते प्रोजेक्ट दिस ठीक है एंड ई एम पी लिख देते सो मार्क एवरीथिंग एंड प्रोजेक्ट एवरीथिंग कोई कंडीशन नहीं है यानी वेयर नहीं दिया हुआ है दिस वेयर इज नॉट गिवन हमको आई वांट सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी क्योंकि सिलेक्ट दोनों का काम करता है ये ये सिलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल वर्क्स एज बोथ इट वर्क्स एज बोथ द सिलेक्शन ऑपरेटर इट वर्क्स एज सिलेक्शन ऑपरेटर एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर बोथ तो सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी उसको हम ऐसे लिखेंगे तो प्रोजेक्शन मीन्स जिस रोज को हमको देखना है जिसको छापना है एक्चुअली प्रिंट इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन मार्क दोज एम्प्लॉज सैलरी आर ग्रेटर देन टू थाउजेंड ओके एंड जॉब इक्वल टू क्लर्क हाउ विल यू राइट द क्वेरी रिलेशनल एल्जेब्रा स्टेटमेंट हाउ विल यू राइट दैट स्टेटमेंट आई टोल्ड यू सेलेक्ट ऑल दोज एम्प्लॉइज सैलरी इज ग्रेटर देन से थ्री थाउजेंड ओके सैल ग्रेटर देन थ्री थाउजेंड एंड जॉब इक्वल टू क्लर्क कहा सेम पी हम ये बोले थे मार्क ऑल दोज रूज अगर हम तुमको ये बोलते कि डिस्प्ले ऑल दोज हुई थ्री थाउजेंड एंड जॉब इक्वल टू क्लर्क सो दे अगर बोलते कि डिस्प्ले e तो दुम लिखते इनेम e जब ये डिस्प्ले या प्रिंट लिखते तो ये लिखते अगर बोले हुए कि नाम डिस्प्ले करना है तो यू राइट ई नेम अगर बोलते सब कुछ डिस्प्ले करना है तो खाली प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिख के छोड़ दिया जाए इट मीन एवरीथिंग सो दिस इज वॉट इज माई सिलेक्शन ऑपरेटर एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर इन केस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा एनी फ्रॉम दिस पार्ट एनीबडी बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन एनी क्वेश्चन So we go to the next operator. You can ask me questions even afterwards. Because you're you can ask me. So now, as I told you, I'm using the book by Mazumdar. It is very nicely given in that book. Now, the next one that I am going to use is set union. Set union. Since you don't have the book,

the relations Capital R and Capital S Union of Union of R and S is denoted as is denoted as R Plus, as I told you, this plus is the symbol for union. It is the set of tuples, it is the set of tuples with arity with arity small n, which are which are either in either in capital r or in capital s or in both capital r and capital s so now, let small n be the arity number of columns of relations capital R and capital s union of capital R and capital s is denoted as r plus s it is the set of tuples with arity small n which are either in capital R or in capital s or in both capital R and capital s let us try to understand this let us draw capital r Yek table column heading is column heading इसके अंदर डेटा है ए बी सी डी सी ए बी एफ ई बी एफ ई और एक दूसरा टेबल है कैपिटल एस जिसमें है बी सी ए सी डी एफ बी F, e. Okay, these are the two tables. अगर हम बताएं, if small n be the arity, तो इसका arity कितना है Number of columns इसमें कितना है तीन इस S table में भी number of columns कितना है तीन तो दोनों का arity जो है arity, दोनों में तीन है okay? तो जरूरी नहीं है कि दोनों में तीन हो ये जरूरी नहीं है but arity is three. Union of RFS is denoted as R plus S. It is the set of tuples with arity small n, arity small n, which are either in capital R or in capital S or in both capital R and capital S. So, agarham bolte ki what is the value of R plus S? ये तुमको हम थोटिकली समझा रहे हैं ये तो क्वेरी में होगा तो यूनियन का यूज करेंगे हम प्लस टर्म यूज कर देंगे वहां पे जब हम एल्जेब्रिक नोटेशन लिखेंगे तो आर प्लस एस यूज करेंगे तो वो टेबल क्या होगा दैट इज ए बी सी डी सी ए बी एफ ई बी सी ए सी डी एफ फिर एक बी एफ ई है बी एफ एज ऑलरेडी कंसिडर्ड हिंसको हम दोबारा बी एफ ई नहीं लिखेंगे सो so क्या बोला इट इज द सेट ऑफ टपल्स विरिट इज स्मॉल एन विच आर आयदर इन कैपिटल आर और इन कैपिटल एस तो ए बी सी आर में होगा या एस में होगा तो आर में है डी सी ए आर में है बी एफ ई आर में है ओके okay? और इन एस तो BCA जो है ये यह यहां इसलिए आया क्योंकि इसमें है सी डी एफ इज ऑल्सो इन एस और उसके बाद बी एफ ए फिर आता है इट इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ तो आर प्लस एस अगर हम बोलते हैं तो यू इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि ये दोनों टेबल इस तरह से यूनियन हो रहा है एंड दिस इज व्हाट इज माय रिजल्टेंट टेबल सो यूनियन अगर हम बोलते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के टर्म में सो so कहने का मकसद हुआ दिस यूनियन होने से दिस इज वॉट इज हैपनिंग देन यू कैन डू सिलेक्ट एन प्रोजेक्ट देन यू कैन डू प्रोजेक्ट कुछ भी हम कर सकते हैं इसमें से लेकिन ये दोनों का कॉलम हेडिंग सेम होना था नहीं तो ये मर्जिंग का कोई यूनियन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता कहने का मतलब है दिस इज ई एम पी एन ओ दिस इज ई नेम एंड दिस इज जॉब सिमिलरली ई एम पी एन ओ नेम एंड जॉब अच्छा जॉब नहीं इसको डिपार्टमेंट बोल देते हैं सॉरी डिपार्टमेंट नंबर से आसानी होगा समझ में। ये डिपार्टमेंट नंबर है डिपार्टमेंट नंबर तो नौ यहां पे ये क्या है सी है नथिंग बट डिपार्टमेंट नंबर है तो ये दस है ये दस है ये दस है ये बीस है ये बीस है ये बीस है तो हम तुमको उनको एक क्वेरी लिखने बोले कि भाई उन लोगों का नाम हमको चाहिए ठीक है जिन लोग या तो डिपार्टमेंट जिन लोग या तो डिपार्टमेंट नंबर दस में काम करता है या बीस में काम करता है या दोनों में काम करता है ओके तो से ये है। ये है है या डिपार्टमेंट नंबर में काम करता अच्छा ओके ये दस ही रहने दो कीप रहना था या डिपार्टमेंट नंबर टेन में काम करता है या ट्वेंटी में काम करता है या दोनों में काम करता है वॉट एवर हमको उन लोगों का नाम चाहिए तो देन हाउ विल यू राइट दिस यू विल राइट दिस प्रोजेक्ट empno comma name comma dptno select dptno equal to 10 or dptno or dptno क्वल टू ट्वेंटी और यहां पर ब्रैकेट में हम लिखे हैं आर प्लस एस अंडरस्टैंड तो यानी यहां हम यूनियन करवाए तो ये मेरे को उठ के आएगा दिस विल बी द इंटरमीडिएट रिजल्ट फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट रिजल्ट मार्क दो विच सैटिस्फाई दिज क्राइटेरिया तो यानी इस क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके ही आर प्लस एस हुआ था तो, तो दिस एंटा रिलेशन विच इज एन इंटरमीडिएट रिलेशन Which came out of this relation and this relation union kiye. from that project out these values. So this is how we write the relational algebraic expression in case of set union. Kuch is isko So this is what is your set union. Then we have the next one, that is, yes please.

So the computer okay. won't understand they are the same, so it will print it twice. Okay. Thank you, sir. Okay. So now the next one is set difference. Set difference. Now, as I told you, it is denoted by R minus S. So write down set difference it is denoted by r minus s and and consists of and consists of the set of tuples set of tuples which all in capital r but not in capital s EG, when i uh, wrote this uh, operator, select project union and then i wrote intersect or difference Sorry, please 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 remove that and call it difference intersect a please correct that when i was telling you the operators the one was select second was project third was union fourth should be difference difference is of course a minus b huh? intersection to kuch ho jata, which is common you know intersection okay so here what we say is which are in r but not in s तो वी यू गो बैक टू आवर टेबल ये टेबल पे चल जाओ ये आर बनाया हुआ है ये एस बनाया हुआ है तो आर माइनस एस इज दो विच आर देर इन आर बट नॉट इन एस तो ए बी सी और डीसीए ये जो है ये ये बीसीए को ए बी सी नहीं समझते हम हा प्लीज डोंट कंफ्यूज देर ये बी सी ए है सर ये ए बी सी तो एक ही है नो 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 नॉट दैट ए बी सी डी सी ए ये बी एफ ई ये तीन आर में है लेकिन एस में कौन सा है सिर्फ बी एफ ई है सो देन इफ यू वॉन्ट टू राइट आर माइनस एस तो आर माइनस एस इज नथिंग बट इट इज ए बी सी एंड डी सी ए तो हम माइनस कर लिए ये किस ये किस तरह का क्वेश्चन में आएगा हम बोलते हैं कि एक आदमी का ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ये अगर खाली सिंबल्स में जाओगे तो कभी नहीं समझ पाएगा ये रियलिस्टिक केस समझना कि हम बोलते हैं कि कुछ लोगों का अकाउंट जो है यूनाइटेड बैंक में है और कुछ लोगों का अकाउंट जो है एच बैंक में कुछ लोगों का अकाउंट जो है यूनाइटेड बैंक में है और कुछ लोगों का अकाउंट जो है एच डी एफ सी बैंक में ओके okay. तो यहां पे एक्स का अकाउंट है अच्छा ए का अकाउंट है बी का अकाउंट है सी का अकाउंट है डी का अकाउंट है ई e का अकाउंट है और यहां पे क्या है सी का अकाउंट है डी का अकाउंट है ई e का है एफ का है जी का है एच का है इन लोगों का अकाउंट एच डी एफ सी अब हम एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं तुमसे कि भाई हमको उन लोगों का नाम चाहिए जिनका अकाउंट सिर्फ यूनाइटेड बैंक में है। ठीक है जिस लोगों का अकाउंट सिर्फ यूनाइटेड बैंक में है यानी कहने का मतलब है, वॉन्ट दिस पोर्शन आई डोंट वॉन्ट दिस पोर्शन पोर्शन I I ये हमको चाहिए तो देन इन दैट केस इस तरह का आई विल गेट ए एंड बी ये दोनों आदमी हमको खाली मिलेगा जिसका की सिर्फ यूनाइटेड बैंक में अकाउंट है और इन लोग सी डी इन लोगों का क्या है इन लोगों का दोनों में अकाउंट है एफ जी एच इन लोगों का क्या है का सिर्फ HDFC में है तो इव, this is R, this is S, तो तो अगर हम लेते इस जब आपको क्वेरी दिया जाएगा कि इसका रिलेशनल अल्जेब्रिक स्टेटमेंट लिखे SQL क्वेरी नहीं क्वेश्चन आपका ये आएगा कि भाई आपको ये दिया हुआ है टेबल रिलेशनल लाल स्टेटमेंट लिखिए तो पहले तो हमको फिजिकली समझना पड़ेगा इक्वेशन पूछ क्या रहा है पूछ रहा है तो हमको खाली सिलेक्ट प्रोजेक्ट तो हम समझ गए लेकिन अब उसमें यूनियन करके निकालें या डिफरेंस करके निकालें दैट वी नीड टू फाइंड आउट जब निकाल लेंगे तो भाई आर माइनस एस जब निकल गया अब इसके अंदर से निकालो ना नेम इक्वल टू ए कहा से आर माइनस एस ठीक है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करवा दो ई नेम या जो भी वॉट एवर सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट द क्वेरी जो हम तुमको पूछे थे कि उन लोगों का नाम चाहिए जिनका सिर्फ यूनाइटेड बैंक में अकाउंट है यानी यूनाइटेड बैंक आर हम मीन कर रहे हैं जिनका सिर्फ आर में अकाउंट है वही सो दिस इज वॉट इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द रिलेशनल रिलेशनलब्रिक स्टेटमेंट ये थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा यू कैन रेफर टू इंटरनेट ऑल्सो फॉर क्वेश्चन वहां से यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन प्रैक्टिस कीप ऑन प्रैक्टिस नेक्स्ट वन इज कार्टीजियन प्रोडक्ट ये तो तुम देख चुके हो यू अंडरस्टैंड दिस चूंकि हम लोग एसक्यूएल पढ़ चुके हैं दैट इज वाई इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ वॉच दिस कार्टिजियन प्रोडक्ट Note this down. Note this down. It is denoted as R cross S. S. Okay? R is what? A table. S is also a table. These are relations. If, full stop, if capital R and capital S have have arity small r and small s respectively. Then then r cross s is the set of tuples is the set of tuples with arity with arity small r plus small s whose first small R components Components are composed of are composed of the tuples in R of the Tuples in R and remaining remaining small S components small S components are composed of are composed of the Tuples, tuples in capital S. Okay. Let us try to understand one thing. Let us try to. Cartesian product. Supposedly, S is equal to 0 and 1. So then, S cross S, yani Cartesian product will be 0 and 1 with 0 and 1 this will give rise to 0 1 10, so this is what is s cross s agarham ki s cross s cross s so hotakya this is there already s cross s इसके साथ एक और एस करना है विच इज अगेन जीरो एंड वन तो इसका वैल्यू होता जीरो 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 वन जीरो वन जीरो यानी ये वाला फिर जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन one one zero one 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 so this is what is s cross s cross s this is what is cartesian product so now let us do that for our our tables you have these tables r and s let us see whether you can write your cartesian products you have these oh you have these tables r and s ए बी सी डीसी बी एफ ओके। तो बोला क्या जा रहा है इसका एरिटी कितना हो जाएगा आर प्लस एस तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो जाएगा कैपिटल आर क्रॉस कैपिटल एस में इफ यू सी s respectively, then r cross s is the set of tuples with arity small r plus small s. So, तो इसका arity है three। इसका एरिटी भी कितना है थ्री तो यानी जो टेबल बनेगा आर क्रॉस एस उसका नंबर ऑफ उसका जो टपल्स होगा उसका जो एरिटी होगा दैट विल बी सिक्स ओके उस फर्स्ट आर कॉम्पोनेंट आर कंपोस्ट ऑफ द टॉप टपल्स इन आर ओके okay? यानी उसका जो फर्स्ट स्मॉल आर कॉम्पोनेंट ना लेट मी फर्स्ट ज्वाइन दिस कैसे ज्वाइन करेंगे आर क्रॉस में यू कैन स्टार्ट डूइंग इट इस पेज में ही हम कर रहे हैं थोड़ा सा गंदा हो सकता है A, B, C, this then B, C, A, A, B, C, C, D, F, A, B, C, B, F, E, A, sorry, D, C, A, B, C, A. डी सी ए आ सी ए देन ए बी सी बी सी ए कहा थे डी सी ए डी सी ए का हो गया बी सी ए डी सी ए हो गया सी डी एफ सी डी एफ डी सी ए बी एफ ई बी एफ ई बी सी ए बी एफ ई सी डी एफ बी बी एफ ई बी एफ ई सो यू कैन सी दरिट इज स्मार प्लस स्मोल छ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और क्या बोला उज फर्स्ट स्मॉल आर कॉम्पोनेंट्स तो पहला स्मॉल आर कॉम्पोनेंट कौन सा ये उसके बाद का रोज इन कैपिटल

आई टोल्ड यू कि ये करने से क्या होगा लेट मी गो बैक टू दिस हम बताए थे कि आई हैव से एम्प्लॉय टेबल में दो ही चीज है ई नेम अच्छा तीन चीज है डिपार्टमेंट नंबर और इसमें है डिपार्टमेंट नंबर और लोकेशन तो दिस इज मिस्टर ये वन जीरो वन ये है एक्स इसका डिपार्टमेंट नंबर टेन है वन जीरो टू Y, इसका डिपार्टमेंट नंबर टेन है वन जीरो थ्री जेड इसका डिपार्टमेंट नंबर ट्वेंटी है वन जीरो फोर डब्ल्यू इसका डिपार्टमेंट नंबर थर्टी है और यहाँ पे बना हुआ डिपार्टमेंट नंबर टेन ये है रांची डिपार्टमेंट नंबर ट्वेंटी कोलकाता डिपार्टमेंट नंबर थर्टी पटना तो हम जब ज्वाइन कर रहे थे इफ यू रिमेंबर इम पी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर यानी क्या हुआ इसका डिपार्टमेंट नंबर जब इसके डिपार्टमेंट नंबर से मैच करेगा तब दोनों को ज्वाइन करना था सो दैट इज नॉट कार्टिजियन प्रोडक्ट कार्टिजियन प्रोडक्ट है जब अगर हम ये लाइन लिखते ही नहीं ये लाइन को उड़ा देते यानी वेयर कंडीशन नहीं देते तब क्या होता ये दोनों को अगर ज्वाइन कर देते हम अगर ये लिखते कि सिलेक्ट ई एम पी एन ओ नेम डी पी टी एन ओ एल ओ सी फ्रॉम ई एम पी डिपार्टमेंट लिख के छोड़ देते तो ये ऐसा बनता वन जीरो वन एक्स टेन ठीक है टेन आर एन वन जीरो वन एक्स ट्वेंटी टेन कोलकाता

टेन रांची वही चलता टेन ट्वेंटी टेन थर्टी फिर मिस्टर जेड आता ये क्या होता ट्वेंटी टेन ट्वेंटी 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 थर्टी यू कैन सी द गार्बेज डेटा हो गया दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट रो फॉर मी ये 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 गार्बेज है ये दिस इज ओके दिस दिस इज गार्बेज ये गार्बेज है ये गार्बेज है दिस इज ओके सो दिस इज कॉल्ड लॉसी ज्वाइन ये हम लोग देख चुके हैं इसीलिए हम इस चीज को करवा दिए थे कि रिलेशनल अल्जेबरा तुमको समझने में आसान हो जाएगा कि वॉट एक्जेक्टली वी मीन सो कार्टीजियन प्रोडक्ट इज काइंड ऑफ वी आर ज्वाइनिंग टू टेबल्स बट ज्वाइन करने का रिलेशन कुछ इस तरह से है जिसका कोई आता पता नहीं निकलता है इट मी गार्बेज डेटा लेकिन इसके ऊपर बेस करके वट वी कैन डू इज वी कैन हैव समथिंग डिफरेंट And that is called natural join. So oh, that is what is called natural join. So here, <clears throat> what we can do is, we today it is already time. So we will do the next uh, two additional operators or three additional operators are there. So that we will see, which is again very important. थिंग बट दिज नैचुरल ज्वाइन मैथमेटिकली इंटरनली वो कैसे होता है दैट वी विल सी सो नेचुरल ज्वाइन एक पढ़ेंगे then वी विल सी something called intersection जो हम तभी गलती से लिख दिए थे इंटरसेक्शन ओके नेचुरल ज्वाइंट का सिंबल है दिस इंटरसेक्शन द सिंबल इज दिस एंड सेवेंथ इज कॉल्ड कोशेंट टी आई एन टी कोशंट इज डिनोटेड बाय डिविजन ऑपरेटर

इसके बाद से जो भी हम जाएंगे जो भी क्लासेस हम जाएंगे आई वॉज गोइंग थ्रू योर सिलेबस एंड आई डोंट नो ऑल ऑफ यू हु हु आर आर प्रेजेंट हियर टुडे डू यू ऑल हैव एक्सेस टू लैपटॉप डू यू ऑल हैव एक्सेस टू लैपटॉप्स नो मेनी ऑफ देम है so if many of them have then what we can do is we you can definitely number one download that uh, oracle and you can start practicing and otherwise gagan was telling me he can uh, do using certain aws so that uh, those people who are having uh, you know mobiles they can do this ms sql remotely

हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं एंटिटी रिलेशन मॉडल को अगर हम छोड़ दें तो शुरू वाला पार्ट इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस डेटा एबस्ट्रेक्शन इंडिपेंडेंस मॉडल एडमिनिस्ट्रेटर कर चुके हैं रिलेशनल अलजबरा में हम हैं प्रोजेक्ट सिलेक्ट कार्टीजियन प्रोडक्ट कर चुके हैं अब वी विल सी नेचुरल एंड यू नो नॉर्मलाइजेशन वी हैव फिनिश्ड अब हमारे पास दो ओरैकल ऑल्सो हैव फिनिश्ड खाली डीडीएल और डीएमएल हमको थोड़ा सा करना बचा हुआ है we are left with transaction and concurrency control very 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 important chapters don't attend the classes then how will you understand i don't know so you can tell rest of your fellows so that they be careful if they can understand from the recorded lectures then it's my pleasure okay so uh, what we do is we then we uh, then meet tomorrow for the the next class on relational algebra. So you you have any questions? Achha, and could you solve the assignment that was given to you? वो जो उस दिन हम असाइनमेंट दिए थे फ्राइडे को वो हुआ कि सैटरडे संडे पार्टी शार्टी हो गया नहीं सर हुआ है हुआ है अच्छा ये तो खाली नमन का आवाज आ रहा है बाकी उधर और कोई और कोई आवाज नहीं आ रहा है दूर दूर तक कोई नहीं अभी एंड एग्जाम में जब ये सब सवाल आएगा ना ऑनलाइन एंड एनसन एग्जाम लेने का बात चल रहा है अभी पूरा एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ स्क्रीन से अगर थोड़ा सा भी मुंह हिलाए तो तुमको जो है आउट कर दिया जाएगा एकदम फिट जी टाइप का फिट जी जो लोग एग्जाम दिए दियोगे पता होगा फिट जी का या ऑनलाइन जो भी एग्जामिनेशन होता है दूसरा विंडो टैब खोलोगे तो भगा दिया जाएगा इधर उधर देखोगे तो हटा दिया जाएगा तो इस तरह का फैसिलिटी लेके प्लान तो चल रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम लें और उस समय सब क्वेरी जब हम पूछेंगे हम नहीं पूछेंगे क्वेश्चन तब मजा आएगा देखिए ठीक है बट यू विल है एग्जाम्स ये, लो, ये लो, मान लो कि प्रोमोट होने का चक्कर अब नहीं है श्योर uh, sure. अभी तक हमको वैसा ही लगता है ओके देन सी यू टूमोरो We will meet again. But the classes are going to be interesting and very, very, very important. A transaction Vagara Vagara type ka cheej, sir. See you tomorrow. Shallow. Bye bye.